हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थ्योरी के बारे में कि एजोर पे हमारी स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड थ्योरी क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि हम एजोर के अंदर एक ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कैसे फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं और कैसे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले हम चलते हैं अपने एजूर पोर्टल पे। एजूर पोर्टल पे लॉगिन करते हैं अपनी एजूर आईडी एंड पासवर्ड से। तो उसके लिए पहले आपके पास होना चाहिए एजूर का स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास क्रिएटेड है तो आप उसके अंदर ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं है तो हम एक बार स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम अपने एजूर पोर्टल पे लॉगिन हो गए हैं, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे स्टोरेज अकाउंट पे जाना है। या तो आप यहाँ से क्लिक करके चले जाओ, या फिर आप यहाँ से जाके यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का ऑप्शन देगा यहाँ पे चले जाओ, या फिर आप ऑल सर्विसेज के अंदर स्टोरेज का ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप जाके स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक कर दो तो आप स्टोरेज अकाउंट में ऑप्शन में आ जाओगे। यहाँ से हमें करना होगा ऐड करना है स्टोरेज अकाउंट को। पहले हम क्रिएट करेंगे एक नया स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछता है ये सब्सक्रिप्शन, आपकी सब्सक्रिप्शन टाइप क्या है। जो आपका होगा यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्टेड होगा। अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हो जिस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप वो सर्विस यूज करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप किस नाम से बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग नाम डिफाइन कर सकते हो जिससे आपको ईजी रहे। तो मैं यहाँ पे RG1 देता हूँ, RG1 सॉरी क्रिएट करना है मुझे पहले, है नहीं है तो मैं RG1 क्रिएट करता हूँ रिसोर्स ग्रुप। अभी स्टोरेज अकाउंट का नाम पूछता है, नाम क्या देना है आपको। नाम आप दे सकते हो RG0001 दे देता हूँ मैं आपके यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं, द फील्ड कैन कंटेन ओनली लोअर केस लेटर्स, मीन्स लोअर केस में हमें डालना होगा ये RG003 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसने नाम ले लिया है। इसके बाद आपसे पूछता है लोकेशन, किस रीजन के अंदर, किस लोकेशन के अंदर आपको ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना लेता हूँ EAST US। एंड आफ्टर दैट इट विल आस्क यू, ये आपसे पूछता है कि परफॉर्मेंस कैसी लेनी है आपको, स्टैंडर्ड लेनी है या प्रीमियम लेनी है। तो यहाँ पे कॉस्ट आपकी डिफाइन होती है, स्टैंडर्ड में आपकी नॉर्मल होती है, प्रीमियम में आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल लेके चलेंगे, अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। तो ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है अकाउंट काइंड्स कि अकाउंट की कौन सा लेना है आपको, स्टोरेज V2 लेना है, स्टोरेज V1 लेना है, ब्लॉब स्टोरेज लेना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि स्टोरेज V2 में हमारे पास सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, सॉरी ब्लॉब, ब्लॉब शेयर, फाइल शेयर, क्यू एंड टेबल। और सेम चीज़ हमें स्टोरेज जनरल पर्पज़ V1 में भी मिलती है, बट वो ओल्ड वर्जन है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है कि आप V2 सेलेक्ट करके क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे V2 लेता हूँ। उसके बाद रेप्लिकेशन पूछता है आपको, रेप्लिकेशन कैसे करवानी है। अगर आपको मल्टीपल रीजन के अंदर करवानी है, मल्टीपल लोकेशन के अंदर करवानी है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर करवानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, आपको पता है कि कौन से रीजन में आपको क्या मिलेगा, आपको आइडिया है सारा, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल लेके चलूँगा अभी, LRS लोकल रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपको एक्सेस टीयर कौन सा रखना है, कूल रखना है या हॉट रखना है। तो यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन देगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आर्काइव का ऑप्शन सिर्फ आपको वो ब्लॉब स्टोरेज के अंदर ही देता है जब आप ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करके यूज करते हो उसको, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे हॉट ले रहा हूँ क्योंकि हमें अभी एक्सेस करके चेक करना है कि हमारा ब्लॉब स्टोरेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आपको ये पब्लिक नेटवर्क पे अलाउ करना है या सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क पे अलाउ करना है, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको पब्लिक रहने देता हूँ और राउटिंग टू परफॉर्मेंस में डिफॉल्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये आपसे पूछता है कि अगर आपको टर्न ऑफ, ये रिकवरी मेथड होता है इसमें कुछ रिकवरी के लिए, जो सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन आता है आपका एजूर पोर्टल पे, मतलब अगर हम कुछ भी चीज़ डिलीट करते हैं तो उनके ऊपर अगर आपने टर्न ऑन सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉक किया हुआ है, जैसे ये यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है फॉर ब्लॉक के लिए दे रहा है, अगर हम ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद अगर हम ब्लॉक को डिलीट करते हैं तो क्या होगा कि ब्लॉक डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे वो 14 डेज के बाद, 14 डेज तक आपका रिकवरी उसमें रहेगा,
मतलब अगर उन्हें आपने डिलीट कर भी दिया तो 14 डेज तक आप सॉफ्ट डिलीट से उसको रिकवर कर सकते हो, 14 डेज तक ये वहाँ पे रहेगा। तो सेम चीज़ आपकी तो टर्न ऑन सॉफ्ट डिलीट फॉर फाइल शेयर के लिए भी है, बट ये कंटेनर के लिए नहीं दे रहे हैं ये सर्विस। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हो। अगर आपको वर्जनिंग इनेबल करना है तो आप टर्न ऑन वर्जनिंग पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप जैसे कुछ अपडेट करोगे नया फाइल के अंदर या फिर उसके अंदर, तो वो वर्जनिंग क्रिएट करता जाएगा आपका, तो उससे भी आप रिकवरी करवा सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं ले रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मैं नेक्स्ट करता हूँ। एडवांस में मैं कुछ नहीं कर रहा, डिफॉल्ट सेटिंग ले रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। टैग नहीं डाल रहा हूँ मैं, कुछ रिव्यू करता हूँ। और रिव्यू करने के बाद हम क्रिएट करेंगे इसको। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका अकाउंट क्रिएट होने, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होने में, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा जैसे ये क्रिएट हो जाता है। अभी भी ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है आपको। तो होप है कि आप अगर एक बार मेरा लास्ट वाला वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आपको स्टोरेज के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी। स्टोरेज में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या माए एक्सेस टीयर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो इसके बाद हमें क्या करना है, गो टू रिसोर्स पे जाएंगे। गो टू रिसोर्स पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ये चार ऑप्शन देता है, कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यू। चारों के चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं आपके स्टोरेज अकाउंट के अंदर। अब आपको कौन सा यूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंटेनर आपका ब्लॉब स्टोरेज होता है, उसको कंटेनर बोलते हैं। फाइल शेयर आपका ये नॉर्मल फाइल शेयर की तरह काम करता है, जैसे नॉर्मल एक फाइल शेयर फोल्डर बनाते हैं हम, उसको SMB के थ्रू हम एक्सेस करवा सकते हैं किसी भी वर्चुअल मशीन पे, किसी भी सर्वर पे, किसी भी विंडोज मशीन पे, क्लाइंट पे, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये ऑथेंटिक मल्टीपल सर्वर पे सिंगल टाइम पे कनेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद टेबल आता है। टेबल आपका कैसे वर्क करता है, टेबल आपको जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि HR का कुछ डाटा है, वो डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आपके उस फॉर्मेट में, तो ये उस फॉर्मेट के लिए यूज होता है। या फिर डाटाबेस के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये टेबल स्टोरेज के लिए यूज, टेबल के नाम से है स्टोरेज। उसके बाद आता है क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू आपका मैसेजिंग के लिए काम करता है। अगर मान लो आपको किसी को बल्क में बहुत ज़्यादा मैसेज करने हैं, तो उसके लिए आप क्यू स्टोरेज यूज कर सकते हो और वहां से आप मल्टीपल मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूल और SDK बहुत सारे ऑप्शन देता है इसको एक्सेस करने के। आपको अगर स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पावर सेल के थ्रू एक्सेस करना है तो वो भी आपको दिखा देगा ये। एजोर CLI के थ्रू एक्सेस करना है तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा ये। और आपको इसके ग्राफ भी दिखाते हैं कि आपका यूटिलाइजेशन क्या है, कितना यूज हो रहा है, कितने बिट अपलोड हो रहे हैं, कितने बिट डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, हम धीरे धीरे सारी पढ़ेंगे। बट अभी हम क्या करना है, हमें एक ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए कंटेनर पे क्लिक करता हूँ। कंटेनर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि अभी कोई कंटेनर नहीं है आपके पास, तो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंटेनर का नाम डाल देता हूँ मैं, कुछ भी डेमो, मैंने डेमो नाम डाला है कंटेनर का। और मैं भी यहाँ पे प्राइवेट रख रहा हूँ इसको, पब्लिक एक्सेस लेवल मैं इसको प्राइवेट रख रहा हूँ। एडवांस में अगर आप चाहो इनक्रिप्शन वगैरह करना चाहो तो आप यहाँ पे इनक्रिप्शन कर सकते हो, बट अभी इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है प्राइवेट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेमो नाम दिया और इसको प्राइवेट रखा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी ये क्रिएट कर दिया है, बट इसके अंदर क्या है, अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, कोई डाटा नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेस्ट करने के लिए हमें पहले नोटपैड फाइल क्रिएट कर लेते हैं इन HTML फॉर्मेट। तो हम एक नोटपैड फाइल HTML फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, नोटपैड में कुछ डाटा लिख के। हाय, दिस इज डेमो फॉर ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, तो मैंने ये एक फाइल क्रिएट की है, मैं इस क्या करता हूँ, इसको HTML फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ। कहाँ पे सेव करना है आपको, मैं यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज नाम देता हूँ फाइल का। सेव,
ठीक है, मैंने नए फोल्डर के अंदर ये सेव कर रहा हूँ मैं इसको। स्टार लगा हुआ था इसलिए वो सेव नहीं करने दे रहा। ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज डॉट एच टी एम एल। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, कहाँ पे सेव की थी मैंने, ब्लॉब स्टोरेज डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव की है ये फाइल हमारी। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमें क्या दिखाएगा ये, जब हमने उस फाइल के अंदर लिखा है हाई दिस इज़ ए डेमो फॉर ब्लॉब स्टोरेज, तो मैं क्या करता हूँ इस फाइल को हमारे कंटेनर के अंदर अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, आप कंटेनर पे आओगे, अपने अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ से फाइल को ब्राउज करोगे और यहाँ से उस फाइल का नाम दे सेलेक्ट कर दोगे, ओके कर दोगे एंड अपलोड पे क्लिक कर दोगे। अगर आपको मल्टीपल फोल्डर सेलेक्ट करने हैं आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए ब्लॉब स्टोरेज ओवरराइट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर सेम फाइल सेम नाम से ऑलरेडी है तो आप उसको ओवरराइट करवा सकते हो। अगर आपको एजो रेडी स्टोरेज के साथ मैप करवाना है इसको, वो भी करवा सकते हो। अकाउंट के साथ करना है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉब स्टोरेज कर रहे हैं। अगर आपको कोई और यूज़ करना है, पेज ब्लॉब करना है, अपेंड ब्लॉब करना है, जैसा कि हमने वीडियो में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको साइज डिफाइन करना है कि मैं इतने एमबी की फाइल अपलोड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा एमबी की फाइल अपलोड ना हो उस पर या डाउनलोड ना हो, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखिए मैंने तीन ऑप्शन बताया था आपको, एक्सेस टियर में हो, टियर और आर्काइव। तो यहाँ पे हमें तीनों ऑप्शन मिलेंगे, बट आर्काइव ये ऑप्शन कहीं और नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज में ही होता है आपका। तो यहाँ पे हमें होट सेलेक्ट करना है या आपको जो करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो जब भी कोई फाइल अपलोड करते हो। तो हमें होट के थ्रू टेस्ट करना है, अभी होट कर रहा हूँ मैं अपलोड। अगर आपको फोल्डर के नाम से अपलोड करना है तो आप फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी एक सिंगल फाइल अपलोड कर रहा हूँ, बेसिक सेटिंग आपकी ये डिफॉल्ट है, अगर आपको चेंज करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपलोड कम्प्लीटेड फॉर ब्लॉब स्टोरेज कम्प्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सेस करता हूँ, फाइल को ओपन क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको ये फाइल की डिटेल दिखा देगा आपकी, क्या फाइल है, क्या क्या डाटा है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और एक बार अपने ब्राउजर पे चेक करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेस होता है कि नहीं होता। तो क्या कह रहा है ये कि एक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों, द स्पेसिफाइड रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि हमने इसको प्राइवेट किया हुआ है, तो जब हम इसको पब्लिक कर देंगे तब ये हमें एक्सेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसके चेंज एक्सेस लेवल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्राइवेट की जगह पे हम इसको ब्लॉब एनोनियस कर सकते हो, रेड ओनली एक्सेस हो गएगा आपको, या एनोनियस कर सकते हो आप, इस पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस पर चेंज करते हैं और यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अगर आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपका स्टोरेज एक्सेस हो जाएगा आपको। दिस इज द डेमो फॉर ब्लॉब स्टोरेज जो हमने फाइल क्रिएट की है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल क्रिएट करके आप एक्सेस करवा सकते हो। अगर आपको देखना है यहाँ पे फाइल अपलोड की है, चेंज लेवल, चेंज एक्सेस लेवल, परमिशन चेंज करनी है तो आप परमिशन चेंज कर सकते हो। डिलीट करना आपको डिलीट कर सकते हो, और अगर एक्सेस टियर आपको चेंज करना है बाद में करने होने के बाद, उसके बाद आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो। तो हम आगे डिटेल्स में सारी पढ़ेंगे इसकी, तो आज के लिए इतना ही था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम इस पर ये भी पढ़ेंगे कि हम इसके ऊपर वर्जनिंग कैसे करते हैं ब्लॉब स्टोरेज के अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पे वर्जनिंग आता है, स्नैपशॉट आता है, एडिट आता है, जनरेट साइज एस सी एस के थ्रू कैसे एक्सेस करोगे आप इसको, कैसे करना है, तो डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं सारी एक ही दिन में करवा दूंगा तो आप लोग भी कन्फ्यूज हो जाओगे और कर नहीं पाओगे इतना कुछ एक साथ। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, बाय बाय।